बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त मराठा आरक्षण के बीच सीएम शिंदे ने सर्वदलीय बैठक बुलाई हुई है। सह्याद्री गेस्ट हाउस पर सर्वदलीय बैठक जारी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे इस बैठक में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में मौजूद हैं। शरद पवार, अशोक चव्हाण बैठक में शामिल हैं। अनिल परब, सुनील तटकरे बैठक में शामिल हैं। जयंत पाटिल, राजेश टोपे भी बैठक में शामिल हैं। कई नेता इस बैठक में शामिल हैं और इस बैठक में मनोज जरांगे पाटिल के अनशन और प्रदर्शन के मुद्दे को रखा जा रहा है, जिसमें मराठा आरक्षण की मांग की गई है। महाराष्ट्र सरकार के लिए मुद्दा इसलिए परेशानी भरा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले मराठा आरक्षण को खारिज भी कर चुका है। लिहाजा इस राह पर आगे कैसे बढ़ना है, कैसे प्रदर्शनकारियों की बातों को मानना है दायरे में रहते हुए, ये एक बड़ी चुनौती है। उधर अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बवाल हो रहा है। आरक्षण को लेकर प्रदर्शनकारियों ने अपने सिर मुड़वा लिए हैं। मराठा समुदाय के कई लोगों ने अपना सिर मुड़वाया है। भायखला में मराठा समाज के लोग अनशन पर बैठ गए हैं, जो अपना सिर मुड़वा रहे हैं। ये मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मराठा समाज को OBC के तहत आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहा है मराठा समाज। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुंबई के भायखला में ये लोग अपना सिर मुड़वा रहे हैं। हालांकि सांकेतिक ज़्यादा कहा जाएगा, लोग यहां पर ज़्यादा नहीं हैं प्रदर्शन करने वाले, लेकिन फिर भी ये लोग अपना सिर मुड़वा कर मराठा आरक्षण के समर्थन में अपनी मांग कर रहे हैं और यहां पर अनशन पर बैठ रहे हैं। तो एक तरफ आप देखें सह्याद्री गेस्ट हाउस में मीटिंग जारी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें सभी बड़े नेता इस वक्त शामिल हैं। दूसरी तरफ मराठा समाज के कुछ लोग भायखला में अपना सिर मुंडवा रहे हैं। NCP के दफ्तर और NCP के विधायक के घर पर भी आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने आज हसन मुश्रिफ, जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उनके काफिले पर हमला भी किया गया। इसको देखते हुए मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है कि इस मीटिंग से निष्कर्ष क्या निकल कर आता है। सर्वदलीय बैठक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुलाई है। और अगली बड़ी खबर इस वक्त देख लेते हैं। महाराष्ट्र विधिमंडल के विशेष अधिवेशन की मांग की गई है। मांग को सर्वदलीय विधायकों का मंत्रालय में आंदोलन है। विधायकों ने मंत्रालय पर ताला लगा दिया। महाराष्ट्र विधिमंडल के विशेष अधिवेशन की मांग को लेकर सर्वदलीय विधायकों ने मंत्रालय पर ताला लगाया है। मंत्रालय यानी वो इमारत जहाँ पर महाराष्ट्र की विधानसभा बैठती है, मंत्रालय में ताला लगा दिया है। महाराष्ट्र विधिमंडल के विशेष अधिवेशन की मांग की गई है मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आ रही हैं। महाराष्ट्र की अलग अलग जगह इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे तादाद में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी मराठा समाज के लिए अलग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सुजाता हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। सुजाता, बड़ी अहम बात कि एक तरफ सह्याद्री गेस्ट हाउस में मीटिंग चल रही है जहां सभी बड़े नेता मौजूद हैं और दूसरी तरफ विधिमंडल पर ताला लगा दिया गया, मंत्रालय के दरवाजे पर ताला लगा दिया गया विशेष अधिवेशन बुलाने के नाम पर। बिल्कुल राजीव, और देखिए पिछले कुछ महीनों से चल रहे मराठा आरक्षण को लेकर इस पूरे आंदोलन को जो है हिंसक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां कल प्रकाश सोलंकी के बंगले पर साथी उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, वहीं सुबह हसन मुश्रिफ की गाड़ी पर जो है पत्थरबाजी कर उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया जिसमें ड्राइवर मौजूद था, हालांकि वो बच गया। लेकिन अब जो है ये पूरा मामला एक ऐसा मोड़ ले रहा है जहां पर अब मंत्रालय पर यानी एक ऐसा दफ्तर जहां से पूरी महाराष्ट्र
ट्रस्ट का जो काम होता है उस पर ताला लगा दिया गया है और एक अधिवेशन की मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस अधिवेशन को बुलाकर जो है इस पूरे मामले पर जो है कार्रवाई की जाए और यदि मराठा समाज को आरक्षण देना है तो उस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। लेकिन अब इसके पीछे का जो पूरा कारण है वो बताया जा रहा है कि मनोज जरांगी पाटिल जो एक्टिविस्ट हैं जो इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं उन्होंने एक भूख हड़ताल बुलाई है जिसमें अब तक अगर देखा जाए तो सभी लोग आक्रामक रूप से उनके सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। ऐसे में कल उद्धव ठाकरे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिन्होंने अपने दशहरा रैली के भाषण में मनोज जरांगी पाटिल की उनकी इस पूरे आंदोलन के लिए जो है शाबाशी भी दी थी वो कल बोलते हैं कि इस पूरे मामले को अब सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करे क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के तरफ से जो है इतना कोई भी फैसला नहीं लिया जा रहा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है उद्धव ठाकरे सहित जो अन्य विपक्षी पार्टी है वो हालांकि इसके सपोर्ट में है लेकिन अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में निर्णय आए जिसके बाद से वो इस पूरे मामले में कुछ कर सकेंगे। लेकिन इस समय सह्याद्री गेस्ट हाउस में जो बैठक चल रही है जो पिछले कई दिनों से लगातार चलती आ रही है उसमें अब ये निश्चित किया गया है कि 3 सदस्य की समिति बिठाई जाएगी। वो 3 सदस्य समिति पूरे मामले में जो है कहीं ना कहीं जांच करेगी कि आखिर क्या जरूरी है और किन किन लीगैलिटीज को मद्देनजर रखते हुए मराठा समाज को आरक्षण दिया जा सकता है। तो ऐसे में मामला काफी गंभीर है। 8 दशक पुराना मराठा आरक्षण को लेकर एक पूरा मामले को लेकर जो है महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है आश्वासन लगातार दिया जा रहा है। वही दूसरी तरफ आज सह्याद्री गेस्ट हाउस पर सभी महाराष्ट्र के राजनीतिक पार्टियों को बुलाकर एक बैठक जारी है जिसमें शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे और साथ ही महाराष्ट्र सरकार की तीनों पार्टियां मौजूद है और इस पूरे मामले पर जो है निर्णय लिया जा रहा है कि आखिर कैसे इस मामले को जो है कंट्रोल में लाया जाए। मराठा समाज लगातार महाराष्ट्र सरकार को अब ये चेतावनी दे रही है कि वो पूरे महाराष्ट्र बंद बुलाएंगे। तो ऐसे में मामला काफी संगीन है, हिंसक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र सरकार कैसे इस पर एक्ट करती है इसको लेकर आज की बैठक भी जो है काफी ज्यादा जरूरी मानी जा रही है। जी राजू, काफी ज्यादा जरूरी मानी जा रही है इस पर बैठक। लेकिन सुजाता, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी टिप्पणी पहले भी कर चुका है, वो इस आरक्षण से सहमत नहीं है सुप्रीम कोर्ट, तो किस तरीके से इस बैठक में राह निकालने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, और देखिए यही बड़ी बात है जिसके चलते इस समय महाराष्ट्र सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले पा रही है और सिर्फ उनके हाथ में एक ही स्टेप बचता है वो है मराठा समाज को जो है उन्हें रिक्वेस्ट करना कि वो शांति बनाए रखे। क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से जो पहले बयान आया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर मराठा समाज को ये संदेश पहुंचाया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कुछ फैसला आता है महाराष्ट्र सरकार उसे फॉर्मली और लीगली मानकर उस पर काम करेगी। लेकिन इस समय जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के खेमे में है और उनकी तरफ से क्या मामला उनकी तरफ से क्या निर्णय आता है इसको लेकर सभी का इंतजार है। लेकिन अब इसी बीच मराठा समाज ने जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को साइडलाइन कर उनकी सीधी मांग महाराष्ट्र सरकार से है कि वो इस पूरे मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करे और उन्हें आरक्षण दे। ऐसे में कल ही जो है ऐसे जो तमाम छोटे छोटे कास्ट के लोग हैं उन्हें उनका प्रमाण पत्र बांटा गया था और साथ ही मराठा समाज को जो है खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जाकर जहां पर मनोज जरांगी पाटिल इस समय आंदोलन कर रहे हैं उनसे उनके साथ बैठे थे, उनसे बातचीत की थी और उन्हें समझाया था कि आखिर क्यों जरूरी है इस आंदोलन को बंद करने को लेकर और किस प्रकार महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है कि इस पूरे मामले में अपनी लीगल टीम को मद्देनजर रखते हुए उनसे बातचीत करते हुए जो है इस पर काम किया जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो कॉमन ग्राउंड है समझ की वो दोनों की तरफ से नहीं हो पा रहा जिसके चलते इस समय मराठा समाज ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी, आह्वान दे दिया है कि उन्हें अब आरक्षण चाहिए और वो उसे लेकर रहेंगे, नहीं तो ये जो लड़ाई है ये इसी प्रकार चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस समय हिंसक मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले जब प्रकाश जो विधायक है अजीत पवार गुट के उन्होंने एक बयान दिया था मनोज जरांगी पाटिल से कि आखिर क्यों आंदोलन के जरिए जो है आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए जिसके चलते उनकी गाड़ी और उनके घर को जो है आग लगा दिया गया था, पत्थरबाजी की गई थी और ऐसे में अब इस पूरे मामले में जो है तोड़ निकालने की कोशिश महाराष्ट्र ये एक एंगल भी है जिसके चलते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि आंदोलन अपनी दिशा भटक रहा है क्योंकि हिंसा होनी शुरू हो गई है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुजाता हमारे साथ जुड़ने के लिए, नजर बनाए रखिए इस मीटिंग के ऊपर, आपके पास आगे भी आएंगे अपडेट के लिए।